हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आलू मसाला सैंडविच। ये सैंडविच छोटे बच्चे को तो पसंद आता ही, हम बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आता है। और ये सैंडविच बनाने में मैं कोई सैंडविच मेकर का यूज़ नहीं करूंगी, मैं नॉर्मली तवा में इसको बनाऊंगी। ये सैंडविच बहुत ही क्रंची बना था। ये बच्चों का स्कूल टिफिन बॉक्स में परफेक्ट जाएगा, या आप ऑफिस के लिए भी इसको कैरी कर सकते हो, या आप ट्रैवलिंग पे कहीं पे जा रहे हो तब भी ये आराम से कैरी हो जाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक्स, दोनों में ये परफेक्ट बैठेगा। और ये सैंडविच बनाना भी बहुत आसान है, घर में ही दो चार चीज़ों से ये आराम से बन जाता है। और ऐसी सैंडविच आप अगर अपने ही घर में बनाओगे ना, तो बाहर सैंडविच खाने का मन नहीं करेगा। चलिए हम लोग रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पहले आलू का स्टफिंग प्रिपेयर करूंगी। उसके लिए एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ले लिया। छोटे चम्मच का 1 चम्मच मैं जीरा इसके अंदर डाल दिया। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा, मैं कटी हुई ग्रीन चिली एंड अदरक को इसके अंदर डाल दूंगी। आप अगर बहुत छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो ये पार्ट आप स्किप कर देना। जिंजर और चिली को 1 मिनट के लिए भून लूंगी। ये बड़े साइज का 1 ऑनियन है, इसको छोटे टुकड़े में मैंने कट कर लिया। ये भी ऑयल के अंदर डाल के 2-3 मिनट्स के लिए हम लोग भून लेंगे। यह ऑनियन का कलर जब तक ना चेंज हो तब तक इसको भूनिए। जैसे ऑनियन का कलर चेंज हो जाएगा, मैं इसके अंदर कुछ फ्लेवर ऐड कर दूंगी। देखिए, सॉल्ट के बिना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर सॉल्ट डाल दूंगी। अभी इसके अंदर चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल दिया। मसाला थोड़ा कलरफुल लगे इसके लिए मैं हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर डाल दिया। यहाँ पे मैं आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर भी डाल दूंगी। जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड आमचूर पाउडर, ये भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया, क्योंकि मसाला थोड़ा चटपटा बनेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, 1 चम्मच भर के मैं चाट मसाला भी डाल दिया। इसी से ही एक चटपटा सा स्वाद आएगा आलू का। ये आलू का स्टफिंग हम लोग रेडी कर रहे हैं। जितना चटपटा लगेगा उतना ही सैंडविच खाने में भी मज़ा आएगा। जैसे ही सारे मसाला थोड़ा सा भून जाएगा, मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज का आलू को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको मैं ये हाथों की मदद से क्रश करते हुए इसके अंदर डाल दूँगा। आप जब भी ये सैंडविच बनाएंगे तो आलू को पहले से बॉयल करके उसके बाद आलू का मसाला रेडी कीजिए, तो इसमें आलू का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस आलू का स्टफिंग को 4-5 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में मैं भून लूँगी। देखिए, यहाँ पे जो आलू का बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको ये स्पैचुला के मदद से प्रेस करते हुए मैं ये मसाला प्रिपेयर करूँगी। आफ्टर 3-4 मिनट्स तक भूनने के बाद आलू देखना ऐसे ही पैन से छोड़ना स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, आलू पैन से छोड़ रहा है ना, तो परफेक्ट तरीके से आलू अभी भून गया है। ऐसे अगर आलू का स्टफिंग आप रेडी करेंगे तो सैंडविच खाने का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। मैं फ्रेशली कटी हुई कोरिएंडर लीव्स आलू के अंदर डाल के और एक बार मिला लूँगी। आलू का स्टफिंग एकदम रेडी हो गया। अभी मैं दूसरे प्लेट के अंदर आलू को रख के ठंडा कर लूंगी। ये आलू का स्टफिंग पहले से भी बना के आप फ्रिज के अंदर रख सकते हो। जब भी आपका सैंडविच खाने का मन करेगा, आलू फ्रिज के अंदर से निकल के सैंडविच बना लीजिए। आलू यहाँ पे रेडी हो गया। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी कि सैंडविच बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 सैंडविच ब्रेड ले लिया। आलू यहाँ पे एकदम ठंडा हो गया। अभी मैं ये ब्रेड के ऊपर ना एक ग्रीन चटनी लगाऊंगी। तो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली, जिंजर, सॉल्ट एक साथ डाल के ब्लेंड करके एक ग्रीन चटनी बना लिया। वही ग्रीन चटनी एक ब्रेड के ऊपर अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। ये ग्रीन चटनी ब्रेड के ऊपर लगाने से ना सैंडविच खाने का मज़ा और भी बढ़ जाता है। देखिए, एक ब्रेड के ऊपर मैं अच्छे से ग्रीन चटनी लगा दिया, और दूसरे जो ब्रेड है ना उसके ऊपर मैं मेयो लगाऊंगी। ये मेयोनीज है, कोई भी ब्रांड का आप एक मेयोनीज ले लीजिए और ये दूसरा ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए। आपके पास अगर मेयोनीज अवेलेबल ना हो ना, तो आप केचप भी यहाँ पे लगा सकते हो।
कोई भी सैंडविच के ऊपर थोड़ा सा मेयो या चीज़ पड़े तो उसका स्वाद अलग लेवल पे हो जाता है। मैं यहाँ पे चीज़ का यूज़ नहीं किया, पर थोड़ा सा मेयो लेके एक ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया। आपको अगर ये पार्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। जिस ब्रेड के ऊपर मैंने ग्रीन चटनी लगाया था, उस ब्रेड के ऊपर ये आलू का स्टफिंग मैं अच्छा से स्प्रेड कर दूंगी। ये आलू का स्टफिंग जितना इवेनली आप स्प्रेड करेंगे, उतना ही सैंडविच खाने में मज़ा आएगा। अभी मैंने आलू का स्टफिंग अच्छा से एक ब्रेड के ऊपर लगा दिया और जिस ब्रेड के अंदर मैं मेयोनीज लगाया था उसको अभी ऐसे पलट देंगे। ये मेयोनीज वाला ब्रेड लगाने से पहले आपको अगर पसंद है तो आलू के स्टफिंग के ऊपर कोई चीज स्लाइस भी डाल के आप मेयोनीज वाला ब्रेड को डाल सकते हो, उसमें भी स्वाद अच्छा आता है। अभी सैंडविच ब्रेड का मैं ऊपर वाला हिस्से में अच्छे से बटर लगाऊंगी। यही बटर वाला हिस्सा को मैं तवा के ऊपर पहले रखूंगी तो ब्रेड अच्छा से क्रंची बन के हमारा रेडी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से बटर स्प्रेड कर दिया। अभी यहाँ पे एक तवा ले लिया, जिस पार्ट में बटर लगा हुआ है ना उसको मैं तवा के ऊपर ऐसे डाल दूंगी। तवा यहाँ पे मीडियम हॉट है और गैस का फ्लेम भी मीडियम टू लो करके रखेंगे, नहीं तो जिस पार्ट का ब्रेड मैंने तवा के ऊपर रखा उस पार्ट जल सकता है। अभी देखिए स्पैचुला के मदद से थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, नीचे वाला पार्ट अच्छे से सेक जाएगा। अभी मैं ऊपर वाला पार्ट पे अच्छे से बटर लगाऊंगी। अभी ये जो बटर लगाएंगे ना, अपने मन खुल के बटर लगाइए, जितना आप अच्छे से बटर लगाएंगे उतना सैंडविच खाने का मज़ा आएगा। आप अगर सैंडविच को मीडियम टू लो फ्लेम में धीरे धीरे कुक करेंगे ना तो ये सैंडविच बहुत देर तक क्रंची रहेगा। अभी वो नीचे वाला ब्रेड अच्छा से सिक गया है, अभी हम लोग इस ब्रेड को पलट देंगे। देखिए कितना अच्छी तरीके से ये ब्रेड सेका है, लग रहा है ना एकदम परफेक्ट सैंडविच बन के यहाँ पे रेडी हो गया। बट हम लोग क्या करेंगे ना, इस ब्रेड को अभी गैस के ऊपर से नीचे नहीं उतारेंगे, इसको और थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे और अपने ये स्पैचुला को धीरे धीरे प्रेस करते हुए ब्रेड का दोनों साइड मैं ऐसे अच्छा से कुक कर लूंगी। ब्रेड जैसे धीरे धीरे पकना स्टार्ट होगा तो आप अपना स्पैचुला के मदद से ब्रेड के ऊपर ऐसे प्रेस करके देखिए, जैसे साउंड आएगा तो आप समझ लेना ये ब्रेड अच्छी तरीके से कुक हो गया, मतलब हमारा सैंडविच बनके रेडी है। इसको मैं दो पीस में कट कर लूंगी। यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से आलू मसाला सैंडविच रेडी हो गया। देखिए मैं आपको उठा के भी दिखा रही हूँ, एकदम यम्मी लग रहा है ये आलू मसाला सैंडविच। अभी बाकी सारे सैंडविच भी हम बना लेंगे। आप तावा में जैसे ही ब्रेड को ऐसे सेकेंगे तो उलट पलट के सेकने के बाद ऐसे स्पैचुला के मदद से थोड़ा सा क्रश करेंगे, जैसे ही साउंड आएगा आप समझ लीजिए आपका सैंडविच एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी रेसिपी को बनाते हुए जो भी आपका अनुभव है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं मिलूंगी अपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।